इसे ओपन कर दिया है और ये देखिए कितना। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का तंदूरी जायका के इस फ्रेश एपिसोड में। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिरयानी। इसको बनाने की रेसिपी इस प्रकार से है। देखिए 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लेंगे, उसके 1 टीस्पून हम मिर्च लेंगे, चिली पाउडर, उसके बाद हम 1 टीस्पून ऑफ हल्दी, नमक लेंगे 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून और या आप चाहे तो अपने स्वाद अनुसार भी उसे ले सकते हैं। क्वांटिटी आपके मटन की बिरयानी कितनी है उसके अनुसार। उसके बाद हम घी लेंगे या ऑयल भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। फिर हम फ्राइड अनियन लेंगे और इसको इसमें डाल देंगे। अनियन भी आप अपने स्वाद अनुसार और क्वांटिटी अनुसार ले सकते हैं, डिपेंड आपके मटन की बिरयानी की क्वांटिटी कितनी है। फिर हम थोड़ा सा इसमें लेमन डालेंगे और चिली डालेंगे, ग्रीन चिली, और उसके बाद हम कर्ड डाल देंगे 1 बाउल ऑफ कर्ड और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों मिक्स करने का तरीका। अगर आपको ये बिरयानी नेक्स्ट डे बनानी है तो इसकी प्रिपरेशन आप एक दिन पहले कर सकते हैं। इसको मैरिनेट करके आप पूरे रात भर फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप अगर जैसे कोई आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो उसको जल्दी से प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ऐसे मैरिनेट कर लीजिए और उसके बाद बिरयानी को रेडी कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों अब हमने मटन को बिल्कुल कुक होने के लिए रख दिया है हांडी में और ऑलरेडी ये मैरिनेटेड है, तो इसको 30 मिनट तक हम इस हांडी में पकाएंगे। हमारा मीट हो गया तैयार बिरयानी के लिए। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम। ये हमने हरा धनिया लिया, उसके बाद ऊपर से हम ये राइस डाल देंगे। ये देखिए ये राइस हम ऐसे डाल देंगे। डालने का तरीका देख लीजिए किस तरीके से राइस को डालना है। राइस पूरी तरह से बन चुके हैं, पक गए अच्छे से। थोड़ा सा ऑयल डालना है हमें राइस के ऊपर। अब इसमें हमें फूड कलर डालना है। ये देखिए ये फूड कलर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा कहीं से भी। इसको पानी में मिक्स करना होता है और पेस्ट बना के इसमें डालना होता है। उसके बाद हमें फ्राइड अनियन डालना है। ये देखिए फ्राइड अनियन, ज़्यादा क्वांटिटी में, नॉर्मल क्वांटिटी में फ्राइड अनियन डालना है। फिर ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे हम। फिर ये देखिए फिर दोबारा हमें राइस ऊपर से डालना है, जो भी हमारे रिमेनिंग राइस है वो हम ऊपर डाल देंगे। ये देखिए जब राइस हम पूरा डाल देंगे अच्छे से, फिर दोबारा हमें इसके ऊपर ऑयल डालना है। ये देखिए इस तरीके से अगेन थोड़ा सा हरा धनिया। उसके बाद हमें बिरयानी मसाला डालना है थोड़ा सा। ये बिरयानी मसाला आपको मार्केट में कहीं से भी मिल जाएगा, आप अपने टेस्ट के अनुसार और कंपनी के अनुसार आप बिरयानी मसाला डाल सकते हैं। हमने फिलहाल यूज करा है MDH का बिरयानी मसाला। तो आखिरी स्टेप हमें इसको किस तरीके से कवर करना है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हमें एक फॉइल पेपर लेना है, उसको चारों तरफ से इसे रैप कर देना है। देखिए ढक देना है बर्तन को। उसके बाद हमें ये ऐसे इसके ऊपर ढक्कन डाल देना दम के लिए। दम बनाने के लिए हमें एक फॉइल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आटे का।
रेसिपी को खोलने जा रहे हैं। देखिए हमने इसे ओपन कर दिया है और ये देखिए कितनी लजीज और यमी बिरयानी तैयार हो गई है, मटन बिरयानी। देखिए ये देखिए बहुत ही लजीज है, बहुत ही यमी लग रही है। तो थोड़ी देर में इसको हम जायका देखेंगे कैसा है और आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो आगे लाता रहूँ और नए नए जायके आपको दिखाता रहूँ। ये हमारी बिरयानी हो गई रेडी और इसके जायका अगर आपको अच्छे से लेना है तो उसके लिए हमें ये देखिए ये रायता चाहिए और ये घर की बनी चटनी। इस चटनी की स्पेशलिटी ये है, ये हमने घर पे ही बनाई है और ना ही हमने इसको हमने किसी सिल पे नहीं बनाया है और ना ही इसके बनाने के लिए हमने मिक्सी यूज करी है। तो इस चटनी की रेसिपी मैं आपको जल्द ही शेयर करूंगा और चलिए देखते हैं मटन का और ये मटन बिरयानी का जायका कैसा है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक चुका है, ये देखिए काफ़ी पक चुका है अच्छे से, काफ़ी जायका अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस बिरयानी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके कमेंट आपके सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपडेट कीजिए और मेरी इस वीडियो के साथ हमेशा बनी रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए जायके आपके सामने लेता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।